कोरोना को मात देने के उद्देश्य से लगाए जा रहे कोरोना रोधी टीका के लिए इन दिनों जिला अस्पताल में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। टीका लगवाने वाले कोरोना प्रोटोकॉल को भूलकर वैक्सीनेशन कराने में लगे हैं, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज ने जब दूरभाष से एडिशनल सेवा डॉक्टर नीरज पांडे से बात की तो उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन कराने वालों की भीड़ को देखते हुए टीकाकरण केंद्रों पर काउंटर बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा पहले से स्लॉट बुक कराने वालों को पहले टीका लगवाने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, वैक्सीनेशन केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ ना लगाएं, अपना नंबर आने पर ही वैक्सीनेशन कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे ने कहा, सर इसे अब देखा जा रहा है कि जिला अस्पताल पे भीड़ बहुत ज्यादा है और इसको जो कोविन पोर्टल पे अपना स्लॉट बुक करके जा रहा है उसको नहीं लग पा रही है, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। तो सर क्या यहाँ पे आपके उसमें है कि जिला अस्पताल में चूंकि लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं तो क्या आप लोग वैक्सीनेशन के लिए बूथ बढ़ाने की बात सोच रहे हैं? बिल्कुल, इस तरह की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है क्योंकि भीड़ काफी हो जा रही है तो वो पीछे रह जा रहे हैं। इसके लिए आज से हम लोगों ने जिला महिला चिकित्सालय में केयर इंडिया के सौजन्य से बूथ बढ़ाए हैं कि वहाँ कर्मचारी भी बढ़ गए हैं और टीकाकरण की बेहतर व्यवस्था करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी को भी निराश न लौटना। सर इसमें आप पब्लिक से क्या अपील करना चाहते हैं? पब्लिक से हम अपील करना चाहते हैं कि जो पहले से आके लाइन में लग जाते हैं और उनको ऑन स्पॉट कराना होता है वो स्लॉट वालों को चांस दें क्योंकि वो बुक करा के आए हैं, उनकी बुकिंग है, उन्हें प्राथमिकता के तौर पर वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। और इसके लिए हम लोग संबंधित केंद्र के जो चिकित्सक हैं उनको भी हमने निर्देशित किया है कि उनको पहला मौका दें। सर क्या ये आपके पास ये भी प्रस्ताव है कि कोई वो उनके लिए जो स्लॉट बुक करा के आ रहे हैं उनके लिए अलग लाइन लगाया जाए? इसके लिए भी हमने निर्देशित किया है, कुछ जगहों पर तो ये संभव है, जहाँ जगह है वहाँ तो 2-3 लाइनें लगा सकते हैं हम, कुछ जगह है जहाँ की इतनी जगह हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी संभव प्रयास हो उसको करके और स्लॉट वालों को आवश्यक सुविधा प्रदान की जाए, ऐसा हम लोगों का प्रयास।